अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू लास्ट व्लॉग ऑफ अम्मी का उमरा सीरीज़। एंड यहाँ पर जैसे कि आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा था, अम्मी पहुँच चुकी थी मदीना टू जेद्दा व्लॉग, एंड जेद्दा से अम्मी की फ़्लाइट है बॉम्बे। तो आज अम्मी का सफ़र है जेद्दा टू बॉम्बे, एंड ये है जेद्दा एयरपोर्ट। कितना खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत सा एयरपोर्ट है, एंड यहाँ के एम्बियंस भी काफ़ी प्यारे लगी। तो बस अम्मी जो है ना पहुँच चुके थे जेद्दा एयरपोर्ट, और यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट है अम्मी की टू इंडिया यानी कि बॉम्बे। और ये लास्ट वीडियो है अम्मी की उमरा व्लॉग्स की, और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया अम्मी के उमरा व्लॉग्स को, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड इंशाल्लाह आगे बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है, स्टे ट्यून्ड। एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। तो यहाँ पर देख सकते हैं अम्मी का इमिग्रेशन वगैरह, चेक इन, लगेज सब कुछ हो गया था। बस अम्मी फ्लाइट में बोर्ड इन करने वाले थे, और अम्मी की जो फ्लाइट थी वो है सऊदी अरेबिया की, और अम्मी बस थोड़ी देर में बोर्ड इन करने वाले थे, और यहाँ पर बस अनाउंसमेंट की वेटिंग कर रहे थे। और देख सकते हैं यहाँ का जेद्दा एयरपोर्ट कैसा है और यहाँ का एम्बियंस कैसा है। बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट है, और साथ में काफी बड़ा एयरपोर्ट है ये सऊदी का। माशाल्लाह अम्मी फ़्लाइट में बोर्ड इन हो चुके थे और थोड़ी देर में टेक ऑफ होने वाली थी। और देखे ना अम्मी, लास्ट टाइम भी अम्मी को विंडो सीट मिली थी और इस टाइम पे भी विंडो सीट मिली, और अम्मी का माशाल्लाह फ़्लाइट एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ रहा और बहुत ही अच्छा सफ़र रहा अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने शुरुआत से लेकर एंड तक ये सफ़र देखा, और आई होप कि आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा, और अल्लाह हमारी दिली तमन्ना भी ज़रूर पूरी करे, और हमें भी ये मुबारक सफ़र ज़रूर नसीब करे। देखते ही देखते अम्मी की फ़्लाइट टेक ऑफ हो गई थी, और ये वाला सीन देख के मुझे अपनी दुबई वाली फ़्लाइट याद आ गई, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और देख सकते हैं ये वाला जो सीन होता है ना, बहुत ज़्यादा डर लगता है इस टाइम पे, बट बहुत ही अच्छा एक इंसेन एंड सोरियल फील होती है, एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब फ़्लाइट टेक ऑफ होती है ना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। और बस दुबई का भी याद आ गया मुझे, फ़्लाइट एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। तो बस अम्मी की फ़्लाइट टेक ऑफ हो चुकी है और बस थोड़ी देर में इंडिया पहुंचने वाले हैं।
और बस देखते ही देखते अम्मी का सफ़र कम्स टू एन एंड और यहाँ पर अम्मी सेफली अल्हम्दुलिल्लाह से बॉम्बे में लैंड हो चुके थे। और ये देख सकते हैं फ्लाइट जो है ना लैंड हो गई है और बस अम्मी जो है ना एग्ज़िट करेंगे और भाई वहाँ पे वेट कर रहे थे अम्मी का बाहर अम्मी को वेलकम करने के लिए। तो चलिए आप लोग वो भी ब्लॉग एंजॉय कीजिए एंड ये ब्लॉग एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इसमें बहुत सारे सरप्राइजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो बस अम्मी जो है ना आ चुके थे इंडिया। आते हैं अम्मी को भाई ने और भाई के ससुराल वालों ने बहुत ही वार्म वेलकम दिया। और जैसे कि भाई के ससुराल वाले बॉम्बे में रहते हैं तो वो सब लोग आए थे, उनके हमारे भाभी के भाई आए थे, भाभी आए थे, सब लोगों ने बहुत ही प्यारा सा वार्म वेलकम दिया एयरपोर्ट पे। और बस अम्मी यहाँ से सीधा उनके घर पर जाएंगे और थोड़ा रेस्ट वगैरह करके फिर वहाँ से रायचूर के लिए निकलने वाले हैं। एंड माशाल्लाह सफ़र काफ़ी अच्छा था अम्मी का। अम्मी जाके घर पर थोड़ी देर रेस्ट करे और उसके बाद जो है ना अम्मी थोड़ा सा बॉम्बे घूमने के लिए बाहर निकले थे क्योंकि अम्मी फर्स्ट टाइम बॉम्बे गए थे ना। तो बस यहाँ पर अम्मी थोड़ा सा यहाँ पे विजिट कर रहे थे और बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत समंदर देख रहे थे। सऊदी में भी समंदर है बट वहाँ पे उनको देखने का मौका नहीं मिला। बस यहाँ पर जो है ना अम्मी शाहरुख खान के घर के सामने जो है ना मन्नत है ना मन्नत के सामने थोड़ी बहुत वीडियोस ली और उसके बाद जो है ना फिर से अम्मी का सफ़र शुरू हो गया था रायचूर के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं ये है हमारी कृष्णा नदी, देख सकते हैं कितनी भरी भरी सी है। मदीना टू जेदा, जेदा बॉम्बे और बॉम्बे टू रायचूर। तो बस अम्मी थोड़ी देर में घर पहुंचने वाले हैं और उनको सरप्राइज दूंगी मैं। अभी अम्मी को स्टेशन पे रिसीव करने के लिए मैं और भाई लोग जाने वाले हैं और अम्मी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मैं भी स्टेशन जाने वाली हूँ। तो उसी लिए मैंने फटाफट से जो है ना रेडी हो गई थी और बस मैं यहाँ से सीधा निकलने वाली हूँ स्टेशन के लिए। और अभी टाइम देख सकते हैं 11 o'clock हो रहा है। तो अम्मी लास्ट नाइट ही निकल गए थे तो अभी अभी पहुँचने वाले हैं। अम्मी के वार्म वेलकम के लिए मैंने रोजेस लिए थे और मैं वासिक भाई पहुंच चुके थे रेलवे स्टेशन और बस थोड़ी देर में अम्मी की ट्रेन आने वाली थी। तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि आफ्टर 15 to 16 days हम अम्मी को देखने वाले हैं और माशाल्लाह उमरा करके आए हैं तो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और अम्मी की ट्रेन आ गई। माशाल्लाह अम्मी आ गए और हमारी खुशी की तो हद नहीं थी और देख सकते हैं बहुत खुशी हुई अम्मी को इतने दिनों के बाद देख के। और अम्मी को मैंने प्यारा सा गुलाब दिया और भाइयों ने भी वेलकम किया अम्मी का। तो बस अभी यहाँ से हम लोग अम्मी का लगेज लेके सीधा घर पहुँच रहे थे। अम्मी के साथ भाई के ससुराल वाले भी थे और साथ में जो भी उमरा गए थे ना उन लोग भी साथ में ही थे। तो सब लोगों का लगेज वगैरह सब लोग अलग अलग कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे और साथ में जो है ना सारा लगेज वगैरह अलग अलग करके हम सब लोग कार में बैठ गए थे। बस अभी हम थोड़ी देर में घर पहुंचने वाले हैं।
सना भाभी मिलके अम्मी को बहुत ही प्यारा सा वार्म वेलकम दिया और बस यहाँ पे अलायना भी बहुत खुश हो गई। और बस यहाँ पर अम्मी आए हैं तो अम्मी के लिए हम सब लोगों ने दावत रखी थी, तो बस उसी की तैयारी मैं कर रही थी। और आज स्पेशली अम्मी के लिए यखनी पुलाव बना रही हूँ और साथ में बना रही हूँ अम्मी के लिए मीठा जो कि है शीर खुरमा। तो यहाँ पर मेरी सारी तैयारियाँ हो गई थी, तो फटाफट से सबके लिए जो है ना गरम गरम यखनी पुलाव बनाऊंगी और साथ में जो है ना मीठा बनाने वाली हूँ, क्योंकि आज अम्मी आए तो सब लोग फैमिली के साथ बैठ के डिनर करेंगे एंड यहाँ पे तैयारियाँ मेरी चल रही थी। माशाल्लाह सब लोग दस्तर पे बैठ चुके हैं और यहाँ पर देखें गर्मा गर्म मैंने शीर खुरमा बनाया था और साथ में बनाया था यखनी पुलाव जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बना था, सब लोगों ने बहुत मज़े से खाया। और चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और बस घर में इसी तरह से अल्लाह बरकत दे और अम्मी की खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो अम्मी को थोड़ा सा फील स्पेशल करवाने के लिए ये छोटी सी ट्रीट थी हमारी तरफ से, तो बस यहाँ पर हम सब लोग बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह से डिनर इन्जॉय करेंगे। देखें बच्चे कैसे अम्मी को घेर के बैठे हैं और बच्चे तो इतना ज्यादा मिस कर रहे थे अम्मी को। और यहाँ पर देखें अभी अम्मी जो जो चीजें लेकर आए हैं ना, बच्चे सारे बैठ के बहुत ज्यादा एक्साइटेड से देख रहे थे क्योंकि इनके खिलौने जो थे उसके अंदर, तो बस यहाँ पर अम्मी कुछ चीजें निकाल के दे रहे थे जैसे कि जमजम पानी और खजूरें वगैरह जो भी लेकर आए थे अम्मी तबरुखात वो निकाल रहे थे। और बस अम्मी जो है ना बता रहे थे कि क्या क्या अम्मी लेकर आए हैं और साथ में बच्चों के लिए खिलौने वगैरह भी दिए, तो बस यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड से बैठे थे कि किसको क्या मिलने वाला है। Thank you.
और अम्मी सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आए थे और यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत ही प्यारे से खिलौने लाए थे। यहाँ पर किसी के लिए स्पाइडरमैन, किसी के लिए कैमल, किसी के लिए ऊंट, तो किसी के लिए फिश, कुछ इस तरह से अम्मी बच्चों के लिए बहुत ही प्यारे से गिफ्ट लेकर आए थे। और यहाँ पर अम्मी सबसे ज़्यादा जो है ना तबर्रुक खजूरें वगैरह बहुत सारी वैरायटी के लेकर आए थे। तो बस यहाँ पर कुछ चीज़ें थी यही, और आई होप कि आप लोगों ने अम्मी की जर्नी इन्जॉय की होगी और ये छोटे से ब्रेसलेट्स हमारे लिए। आई होप कि आप लोगों ने अम्मी के सारे उम्रा ब्लॉग्स देखे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।